नमस्कार, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। काजी मोहनपुर थाना क्षेत्र रामगोला रोड स्थित V2 कार्ट मॉल का ताला काटकर चोरों ने 10 लाख रुपए की चोरी। शनिवार की देर रात बालूघाट मोहल्ले के एक घर में हुई ब्लास्ट। घर में पहुंची पुलिस तो एक व्यक्ति का शव मिला। इलाके में मची हड़कंप। और वैशाली जिले में हुई नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सदस्यों ने जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के बालूघाट मोहल्ले के एक घर में शनिवार की देर रात ब्लास्ट होने से मोहल्ले में मची हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस तो शराब माफिया का शव मिलने से दंग रह गई। शहर के बालूघाट में शनिवार की देर रात हुए ब्लास्ट मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस जांच में शराब से जुड़े कारोबार में पैसे लेन देन को लेकर हत्या कर शव को साक्ष के रूप में छिपाने में ब्लास्ट की बात सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि उस इलाके में सक्रिय शराब माफिया राकेश का शव है। हालांकि पुलिस पहचान में जुटी है। पुलिस की सूचना के बाद मौके पर पहुंची FSL की टीम ने फ्लैट से ज्वलनशील केमिकल, ब्लीचिंग पाउडर, नमक सहित कई अन्य सामान जब्त किए हैं। फिलहाल फ्लैट से मिले शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि किराएदार सुभाष अपने पत्नी साली और साहू के साथ मिलकर शराब के पैसे की लेन देन को लेकर शराब माफिया राकेश की हत्या गला दबाकर की गई। फिर उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर प्लास्टिक के ड्राम में रखा गया। यह घटना 5 दिन पूर्व की बताई जा रही है। कमरे से गंध बाहर ना जाए इसके लिए फिनाइल और सैनिटाइजर अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे मामले पर SSP जयंत कांत के निर्देश पर मॉनिटरिंग कर रहे नगर DSP राम नरेश पासवान ने बताया कि यह ब्लास्ट हत्या की साक्ष्य छुपाने के लिए किया गया है। संभवतः शव की पहचान कर ली गई है। मृतक शराब मामले में कई बार जेल भी जा चुका है। फिलहाल सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है, साथ ही FSL की मदद भी ली जा रही है। इस वक्त उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे कल रात ब्लास्ट का मामला सामने आया था। हम आपको अंदर भी लिए चलते हैं और अंदर की तस्वीर भी दिखाते हैं कि फोरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और फोरेंसिक की टीम लगातार हर एक बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए, फोरेंसिक की टीम जो है वो पहुँच गई है, अभी से कुछ घंटों पहले पहुँची है और लगातार जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पर जाँच की जा रही है और फोरेंसिक की टीम के द्वारा सारे सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। हम उस रूम की भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिस रूम में ब्लास्ट हुआ था। यही वो रूम है। एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यही वो रूम है जहां पे ब्लास्ट होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने इसी कमरे से एक डेड बॉडी भी अधजले की स्थिति में बरामद की है। ये वही फ्लैट है बालूघाट का जिसमें कल रात ब्लास्ट का मामला सामने आया। साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं, अभी भी इस तरह की बदबू आ रही है कि आप समझ नहीं सकते। आप यहाँ 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं। देखिए, साफ तौर पे जो फॉरेंसिक की टीम है वो लगातार हर बिंदु पर छानबीन कर रही है और सैंपल कलेक्ट कर रही है। नगर DSP भी यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार हर चीज़ों पर नज़र बनाए हुए। कल रात से ही लगातार नगर थानेदार भी हैं जो कि कल रात पहुंचे थे और हर बिंदु पर छानबीन कर रहे हैं। साफ तौर पे तस्वीर आपके सामने है, ये बालूघाट मोहल्ले की उसी फ्लैट की तस्वीर है जहां पे कल रात ब्लास्ट की बात सामने आई थी। हमारे साथ खुद नगर DSP हैं जो इस मामले का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, अब तक के मामले क्या मामला सामने आया है? जी, रात में बीती रात एक सूचना मिली थी कि एक 3 तल्ला भवन में एक किराएदार रह रहे थे, उसमें कुछ संदिग्ध रूप से एक डेड बॉडी पाया गया है। उसी जांच में थानाध्यक्ष आए थे। जानकारी होने पर अभी हम लोग भी आए हैं, इसकी जांच कर रहे हैं कि मामला किस तरह का है। जो आरोप जिसकी मृत्यु हुई है उसकी पहचान करीब करीब हो गई है और वे शराब के मामलों में कई मामलों में आरोपित रहे हैं। फिलहाल अभी वो फिरार भी चल रहे थे। इसी संदर्भ में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। FSL की टीम भी आई हुई है
जांच। इसमें सर ब्लास्ट की बात सामने आ रही है कि ब्लास्ट होने से वो मौत हुई है क्या? जी अभी अभी FSL की टीम आकर के घटनास्थल पर जांच कर रही है, किस तरह की घटना हुई है इसके संदर्भ में जांचोपरांत ही आपको कुछ बताया जा सकेगा। एक ही व्यक्ति का डेड बॉडी बरामद किया है या अन्य भी कुछ है? जी एक ही डेड बॉडी मिला है। ब्लास्ट के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है, लोग डरे सहमे हैं, अपने घरों में कैद है, इससे पहले ऐसी घटना नहीं देखी है। घनी आबादी में हुई ब्लास्ट से पुलिस के खुफिया तंत्र पर भी सवाल उठने लगा है। लोगों का कहना है कि इस घटना से पुलिस को चौकस होने की ज़रूरत है। मोहल्ले के लोगों ने पुलिस से अविलंब इस घटना से पर्दा उठाने की मांग की है। सत्रह घटना सर पहली बार हुई है 17 में, सभी लोग दहशत में हैं। फटा तो लगा जैसे कोई बम फूटा हो, चाहे जैसे कोई गैस फट गया हो, इस तरह से लोग दहशत में था। और उसके बाद फटने के बाद इतना दुर्गंध आ रहा था कि लोग को संदेह हुआ कि इतना दुर्गंध तो नहीं जाना चाहिए। इसके बाद लोग पुलिस को बुलाया, फायर ब्रिगेड वाले आए, वो सब को धुआं को हटाए तो लोग जो देखा हम तो नहीं देखे, बताया कि उसमें एक बॉडी थी जिसका सर नहीं था। हम लोग बाहर थे, देखे वहाँ पर बहुत सारा धुआं निकला हुआ था, बहुत कुछ लोग ऊपर गए देखे वहाँ पे कि बहुत सारा धुआं निकला, सबको लगा कि वहाँ गैस फट गया था। सब गेट उट खोला, वहाँ पे बहुत सारा धुआं निकला तो सब नीचे आ गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाला आया, ऊपर गया, उसे पानी उनी मारा, तक केमिकल वगैरह का बात सुने, यही सब था। बहुत बहुत वाला बात है कि ऐसा कांड नहीं हुआ कभी। आज तक कभी मोहल्ले में हुआ था? नहीं, कल रात अचानक हो गया। कल रात अचानक से हो गया, हम लोग नहीं जानते। और बाकी क्या है, नहीं है, किसका है, नहीं है, और कौन है इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। और पुलिस आई है, ले गई है, बड़ी उठा के आओ, जांच का विषय है। जांच होने के बाद क्या है नहीं है पता चलने के बाद। कितना दहशत आप लोगों के बीच? बहुत दहशत है, पूरे समाज के लोग दहशत में हैं। बहुत ही काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस मोहल्ला के लिए, वार्ड नंबर 17 के लिए। ऐसा पहली बार ऐसी घटना हमारे वार्ड नंबर 17 में हुई है। इससे पुलिस से, पुलिस प्रशासन से हम लोगों को निरोध है कि जांच करके समाज को बताया कि कौन इसमें संलिप्त है और कौन किसका नाम मारा, किसी का नाम किसी का नाम पता अभी नहीं आ रहा कि कौन है नहीं है सर। इधर मुजफ्फरपुर के नगर DSP राम नरेश पासवान ने लोगों को मामले में जल्द पर्दा उठाने का आश्वासन दिया है। कहा है कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे कैसे भी धंधा में शामिल हो। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला रोड स्थित V2 कार्ट मॉल का ताला काटकर चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। जिले में चोरों का दहशत जारी है, प्रतिदिन कहीं ना कहीं घर या दुकान को निशाना बनाकर चोर चोरी की घटना को बेखौफ होकर अंजाम दे रहा है और पुलिस नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। ताजा मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की है, जहां घुड़िया बाजार आमगोला रोड स्थित V2 कार्ट नामक मॉल का ताला काटकर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया है। घटना के संबंध में मॉल के मैनेजर अभय कुमार ने बताया कि आज सुबह एक स्टाफ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिली और जब आकर देखा तो मॉल का ताला टूटा हुआ था, अंदर में रखे सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद तुरंत उन्होंने इस घटना की जानकारी काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। मैनेजर अभय ने बताया कि मॉल से लगभग 10 लाख रुपए की सामान गायब है, जिसमें जीन्स बैग टी शर्ट सहित कई अन्य सामान गायब है। उन्होंने बताया कि मॉल में लगे CCTV कैमरे को भी चोरों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। सुबह सुबह क्या कर, मेरा एक स्टाफ यहाँ से जा रहा था तो सुबह सुबह उसने मतलब देखा कि शटर में आपका का उठा हुआ है यहाँ से, तो तुरंत मेरे को कॉल किया, तुरंत मैं इमीडिएट यहाँ पे पहुँचा, तुरंत मैंने पुलिस को फ़ोन मिलाया। यहाँ के थाना जो थाना है पास मोहल्ला, क्या नाम है उसका, हाजीपुर, हाँ गाजी मोहम्मद, तो वहाँ से तुरंत स्टाफ आया वहाँ पे से, और फिर तुरंत मैंने हम लोग सारे स्टाफ इसमें एंट्री कर रहे हैं। हमने देखा है तो जैसे ही हमें एंटर करें तो सारे कैश काउंटर खुले हुए थे, यहाँ से जितने भी थे सभी कैश काउंटरों ने खोल करके चेक किया है और जगह जगह स्टॉक गिरा हुआ था, स्टॉक गायब था हमारा, हमारे बैग वगैरह कुछ स्टॉक वगैरह इधर से उधर गायब था आपका, और कैमरे भी, कैमरे के वायरिंग कटी हुई थी, तो नुकसान के वगैरह में तो खैर नहीं बता सकते क्योंकि अभी क्योंकि इसका पता नहीं लग पाएगा एकदम से। एक अंदाज तो सर वही 8 से 10 लाख का आपका अप्रोक्सीमेट आ रहा है सर, जो हमारा तो काफ़ी स्टॉक गायब है सर, उसमें आपका जीन्स वगैरह गायब है, हमारे बैग वगैरह गायब हैं और टी शर्ट वगैरह का स्टॉक गायब है, ड्रॉल वगैरह इन्वेंट्री वगैरह काफ़ी चीज़ें इधर से उधर हुई हैं, और बाकी CCTV के वायर कनेक्शन वो स्टार्टिंग में आते ही उन्होंने कट कर दिए थे, ये कैमरा वगैरह मूव कर दिया उन्होंने, इधर को हमने सुबह आते ठीक कराए, यहाँ पर चढ़ करके उन्होंने कैमरे से मूव कर दिए जैसे कि उनके वीडियो कैप्चर ना हो पाए,
तो ये सब पूरी गतिविधि हुई है रात में। अगल बगल का सीसीटीवी देखा गया है? अगल बगल का इधर किसी का मुंह है नहीं ना, इधर अगर जितना भी आपका है इधर सब किसी का भी फ्रंट नहीं है इस साइड में, जिससे कि मतलब कुछ भी हम लोग देख पाएंगे कौन कितने लोग थे, क्या था क्या नहीं था, तो इस बारे में कुछ भी आइडेंटिफाइड नहीं हो पाया। नारायणपुर अनंत स्टेशन के आउटलेट पर अचानक मालगाड़ी की कई बोगियां बेपटरी हो गई, जिसके कारण गुमटी कई घंटों तक बाधित रही। जिले के नारायणपुर अनंत स्टेशन के आउटर गुमटी पर मालगाड़ी की दो बोगी बेपटरी हुई, जिससे 7 डब्बा अलग हो गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पूछे जाने पर रेल कर्मी विनय कुमार ने बताया कि दो बोगी बेपटरी हुई है, हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। दो बोगी बेपटरी होने के कारण कुल 7 बोगियां अलग होकर डिस्टर्ब हुई है, जल्द ही सुचारू कर दिया जाएगा। उनकी निकल रही थी आगे आके वही जैसो दो डिब्बा गिरी है या टी आ रही है, तुरंत उठाने की प्रक्रिया से। कैसे गिरा है सर? वो तो अब आरटी आने के बाद अधिकारी लोग आएंगे, उसके बाद ना जांच होगी। हम लोग मतलब स्थिति है वही आरटी आ रही है, या आने के बाद जो है सो इसको उठाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ना कुछ नहीं हताहत हो रहा, कुछ नहीं है। और खाली टंकी निकल रहा था बीपीसीएल साइकिल से। नवयुवक समिति के सभागार में यूको बैंक एम्प्लॉयज काउंसिल द्वारा अहम बैठक की गई, जिसमें उत्तर बिहार के बैंकर शामिल हुए। यूको बैंक SC/ST/OBC एम्प्लॉयज काउंसिल की ओर से रविवार को सरयगंज स्थित नवयुवक समिति के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार सुमन के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। एम्प्लॉयज काउंसिल के अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि उत्तर बिहार के विभिन्न शाखाओं के यूको बैंक के SC/ST/OBC एम्प्लॉयज ने इस बैठक में भाग लिया, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर विस्तार से चर्चा की गई और उसके समाधान को लेकर गहन विचार किया गया। दैनिक कर्मचारियों की वर्तमान दशा एवं उनके भविष्य के सवाल पर भी बैठक में चिंता व्यक्त की गई। इसके अलावा परिषद के अन्य गतिविधियों एवं कार्यकलापों पर भी चर्चा की गई। आज का कार्यक्रम आज यूको बैंक SC/ST/OBC काउंसिल बिहार पटना के तत्वाधान में नॉर्थ बिहार मुजफ्फरपुर की यूनिट ने एक मीटिंग की व्यवस्था की है, जिसमें बैंक के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हमारे SC/ST/OBC और मैनेजरी वर्ग के लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। साथ ही साथ उसका प्रभाव जो समाज में है और समाज से है, दोनों ही एस्पेक्ट्स को यहाँ पर व्याख्या की जाएगी, और जिसका सीधा संबंध बैंकिंग से लेकर के उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और इंडिया के यानी कि भारत के विकास में हम कितना सार्थक हो सकते हैं, ये हमारा प्लानिंग है, ये हमारा उद्देश्य है। सारे लोग जानते हैं कि भारत में हमारी संख्या लगभग 80% से ऊपर है, फिर भी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम चैलेंज अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम भी आज जागृत हो गए हैं और इसीलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा हर बैंकों में हर फाइनेंशियल सेक्टर में एक काउंसिल की व्यवस्था है, जिसका नाम है SC/ST/OBC काउंसिल। उसके तहत उनके साथियों को उनके कर्मचारी और अधिकारियों के साथ जो भी जाति होती है दूसरे वर्गों के साथ या मैनेजमेंट के साथ, उसके लिए ही हम फाइट करते हैं और उसी की व्यवस्था को उसी को सुदृढ़ बनाने के लिए हम नॉर्थ बिहार का दरभंगा से लेकर के और बेतिया तक के जितने हमारे साथी हैं यूको बैंक के, उनको बुलाया गया है और इसमें स्पेशली हमारे बिहार स्टेट के कमेटी के लोग भी आए हुए हैं। पानी टंकी पटेल पार्क में 27 सितंबर को होने वाली संपूर्ण भारत बंद को सफल बनाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने बैठक कर रणनीति बनाई। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों के द्वारा आगामी 27 सितंबर को प्रस्तावित संपूर्ण भारत बंद को सफल बनाने को लेकर रविवार को पानी टंकी चौक स्थित पटेल पार्क संकल्प सभा का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम संचालक अविनाश साई का कहना है कि केंद्र सरकार गरीब किसानों पर जो यह फांसीवादी नियम नए कृषि कानून के तहत लाई है, उसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आगामी 27 सितंबर को प्रस्तावित संपूर्ण भारत बंद को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई है। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा सभी वार्डों में इस प्रकार के संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को उस दिन स्वेच्छा से भारत बंद को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की जाएगी। ये पिछले 10 महीनों से लगातार जो केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ
कृषि काला कानून जो इन्होंने थोपने का काम किया देश के ऊपर में, इसको लेकर जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो ये आंदोलन पूरे देश स्तर पर चल रहा है, जिस आंदोलन के तहत 27 सितंबर 2021 को पूरे भारत बंद का कॉल किया गया है, इसी कॉल को सफल बनाने के लिए आज किसान जनक्रांति मोर्चा के बैनर तले पूरे मुजफ्फरपुर शहर में तमाम व्यापारी, तमाम दुकानदार भाई, तमाम नागरिकों को हम सब एक ही बात इस संकल्प सभा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह जो आंदोलन चल रहा है सिर्फ किसानों के हित के लिए नहीं है, बल्कि आम जनमानस के हित के लिए है, क्योंकि भंडारण कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये जितने भी कानून लाई गई है, इन सब कानूनों के तहत आम जनमानस को महंगाइयों की गुलामी के जंजीर में जकड़ने की योजना केंद्र सरकार की अडानी और अंबानी से मिलीभगत करके हो रही है। LS कॉलेज परिसर में NCC द्वारा आपदा संबंधी प्रशिक्षण एवं मैक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को LS कॉलेज स्थित NCC कैंप परिसर में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी और NDRF 9वीं वाहिनी के द्वारा आपदा प्रबंधन, खोज एवं बचाव एवं प्राथमिक उपचार संबंधी प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। NDRF के द्वारा कैडेटों को आपदा के समय राहत और बचाव के साथ साथ फर्स्ट एड की जानकारी दी गई। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग के मोहम्मद साकीब ने बताया कि कैडेटों को आज NDRF की टीम के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें उन्हें राहत और बचाव के विषय में बताया गया। इस प्रकार कैडेटों के लिए आगे भी प्रशिक्षण सत्र चलाकर प्रशिक्षित किया जाता रहेगा। साथ ही कैडेटों को आपदा के समय इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसमें इस प्रकार के ओरिएंटेशन प्रोग्राम बेहद सहायक सिद्ध होंगे। उन्हें आपदा के समय अगर किसी प्रकार की कैजुअलिटी होती है तो उन्हें इस बात की जानकारी रहेगी कि फर्स्ट एड किस प्रकार देना है और किसी घायल को किस प्रकार सुरक्षित अस्पताल तक ले जाना है, जिसकी जानकारी NDRF के द्वारा दी गई। ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और 9th बटालियन NDRF के द्वारा दिया जा रहा है। हमको सूचना मिली कि यहाँ पर एक NCC का कैंप चल रहा है, जिसमें 600 से अधिक बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। तो मेरे हम लोग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि जो युवा हैं उनके माध्यम से हम एक जो जागरूकता कार्यक्रम चलाएं और मुजफ्फरपुर को जो है आपदा की दृष्टि से सुरक्षित करें। तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, प्राथमिक उपचार और जो प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम लोग ये प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो प्रशिक्षण है काफ़ी ज्ञानवर्धक होता है और बच्चे काफ़ी सीखते हैं और निश्चित रूप से हमारे ये युवा जो है आगे जो भी जानकारी इस ट्रेनिंग के माध्यम से मिलेगी उसका अपने जीवन में सदुपयोग करेंगे। और सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहां मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहां अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत को के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है।
सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर विंटर के जैकेट स्वेटर मतलब सब चीज़ें शेरवानी अंडर गारमेंट सारे चीज सब ब्रांड में है। टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर राष्ट्रीय जन जन पार्टी के सदस्य ने वैशाली जिले में हुए नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। वैशाली जिले के करनौती गांव में एक नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार को राष्ट्रीय जन जन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालते हुए शहीद खुदीराम स्मारक स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। वहीं पार्टी के प्रधान महासचिव संजीत कुमार संजय ने कहा कि वैशाली जिले के करनौती गांव में हुई घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। घटना को कई दिन बीत गए लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह राज्य सरकार की विफलता का परिणाम है। अपराधी बेखौफ कुकर अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं और राज्य सरकार और जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। यदि 72 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो राष्ट्रीय जन जन पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगा। आज नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है राष्ट्रीय जन जन पार्टी की तरफ से। करनौती महानहार में जो दुष्कर्म और हत्या की घटना हुई है, उस घटना में अपराधियों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासनिक डिपार्टमेंट के लोगों से कि इस तरीके की घटनाएं कब तक होंगी और कब तक अपराधियों को बचा करके रखा जाएगा। आखिर 14 साल की बच्ची किसी का क्या बिगाड़ी थी कि इस तरीके से बर्बर तरीके से उसका हत्या किया गया, बलात्कार किया गया, स्पाइनल का हड्डी टूटा हुआ है, गर्दन का हड्डी टूटा हुआ है, हाथ 3-4 जगह से फ्रैक्चर किया गया। इस तरीके से बर्बर हत्या को देखते हुए हम लोगों ने नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है और विगत 48 से 72 घंटों के अंदर में अगर अपराधियों की अरेस्टिंग नहीं होती है तो चरणबद्ध तरीके से स्टेट वाइज यह आंदोलन उग्र होगा। मझालिया चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में जदयू सवर्ण प्रकोष्ठ की बैठक की गई, जिसमें संगठन विस्तार पर चर्चा भी की गई। रविवार को जिला जदयू सवर्ण प्रकोष्ठ के द्वारा मझालिया चौक स्थित एक निजी होटल में बैठक सह संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नए मनोनीत पदाधिकारियों को सवर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश टंटन ने मनोनयन पत्र और अंग वस्त्र देकर पार्टी में स्वागत किया। मौके पर सवर्ण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष धनंजय शर्मा, जदयू के वरिष्ठ नेता शिशिर कुमार नीरज सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मालूम है कि जनता दलयू का ही पहली पार्टी है देश की जिसने सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन किया है और सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन हुए आज 6 महीना से ऊपर हो चुका है और सवर्ण प्रकोष्ठ का जो सांगठनिक विंग होता है प्रदेश में, जिला में और प्रखंड पंचायत लेवल तक जो सांगठनिक गठन होता है उसकी प्रक्रिया हम लोग निरंतर जारी रखे हुए हैं और उसी के क्रम में बिहार के कई जिलों में संगठन का विस्तार करते हुए आज मुजफ्फरपुर की धरती पर हम आए हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जिला सवर्ण प्रकोष्ठ के जो है न सांगठनिक इकाई का गठन हुआ है, कई पदाधिकारियों का मनोनयन पत्र भी बांटा गया है और कई नए साथी भी जो है न भारी संख्या में सवर्ण प्रकोष्ठ जनता दल ज्वाइन किए हैं। इसी क्रम में हम आज आए हैं और अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए और आगे की कार्यक्रम रूपरेखा कैसे इसको गाँव तक ले जाना है अभियान बना के, ताकि जनता दलयू सवर्ण प्रकोष्ठ के माध्यम से जनता दलयू हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार और हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का जो सपना है कि 2010 की तरह पुनः जनता दलयू का जो है जनाधार आए। चक्कर चौक स्थित अपार्टमेंट में भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के दौरान कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। चक्कर चौक स्थित एक निजी अपार्टमेंट में भगवान गणेश का 10 दिनों तक विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद रविवार को विसर्जन किया गया।
इन 10 दिनों में कई प्रकार के प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की संचालिका वैशाली गुप्ता ने बताया कि 19 सितंबर रविवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इसी तिथि को गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी को जिस गणेश उत्सव का आरंभ हुआ था, चतुर्दशी की तिथि को गणेश विसर्जन के साथ इस उत्सव का समापन हो गया। विसर्जन के साथ गणेश जी से अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना की गई। गणेश विसर्जन की बेला पर अपार्टमेंट के लोग बहुत ही भावुक दिखे। गणेश भक्तों ने नम आँखों से अपने विघ्नहर्ता को विदाई दिया। इस दौरान महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। 10 तारीख से शुरू हुआ श्री गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना की गई। ये गणेश उत्सव का कार्यक्रम पूरे 10 दिन का रहा। श्री अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन है और इस दौरान हमने 10 दिन लगातार बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज की, जैसे चेयर रेस है, फैंसी ड्रेस है, डांस है, मॉडलिंग है, एडवर्टाइजमेंट है और भी कई तरह की कुकिंग है, लिटिल मास्टर शेफ़, ऐसी सारी प्रतियोगिताएं हमने ऑर्गेनाइज़ करवाई जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। बच्चों के साथ साथ उनकी मम्मियों ने भी काफ़ी उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने कई इसमें इनाम जीते और ये सारे इनाम आज अनंत चतुर्दशी के दिन हमारे द्वारा बच्चों को दिए जाएंगे। और इसको आयोजन में मिस्टर विशाल गुप्ता और वैशाली गुप्ता द्वारा माई होम अपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज़ किया गया। और किस तरह का विसर्जन किया जा रहा है आज? पहले तो बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा जो 10 दिन के सारे कंपटीशन हैं। उसके बाद गणेश जी की विसर्जन, पूजा करने के बाद गणेश जी का विसर्जन संगम घाट पर किया जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की ओर से निःशुल्क जाँच शिविर का आयोजन किया गया। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की ओर से रविवार को निःशुल्क चिकित्सा जाँच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पटना के एक प्रख्यात अस्पताल के डॉक्टरों ने बीपी, रैंडम ब्लड शुगर, ईसीजी के साथ हृदय रोग, मधुमेह, न्यूरो सर्जरी एवं सामान्य चिकित्सा को लेकर निःशुल्क परामर्श दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पोद्दार ने बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स आम लोगों के लिए हमेशा सेवा भाव से कुछ न कुछ करता रहा है, जिसके तहत पूर्व में टीकाकरण कैंप लगाया गया था, इसी के तहत आज निःशुल्क चिकित्सा परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया। देखिए, हम लोग जिस समाज से आते हैं, व्यवसायी समाज से, तो व्यवसायी समाज जो है अपने व्यवसाय के साथ साथ सेवा का कार्य जो है वो भी प्राथमिकता के आधार पर करता है। आज जितने भी जगह जो भी सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, तो उसमें हमारा जो व्यवसायिक समाज है वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लगता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण क्या है कि आपने देखा होगा हम लोग जो अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर लिखते हैं शुभ और लाभ, तो शुभ और लाभ जो लिखते हैं तो हम लोगों के पूर्वजों ने हम लोगों को बचपन से ये सीख दी है कि व्यवसाय भी करना है तो शुभ पहले सोचना है और लाभ उसके बाद सोचना है। तो हम जो है ये परिकल्पना करते हैं कि समाज अगर स्वस्थ रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो हम खुद व्यवसाय में भी अच्छे रहेंगे। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य श्याम सुंदर भीमसर ने बताया कि व्यवसाय शुभ लाभ की भावना से कार्य करते हैं, जिसका मूल मंत्र है किसी न किसी शुभ कार्य के माध्यम से आम जनजीवन को लाभ पहुंचाया जाए। जन तो परिषद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है हर समय हर सामाजिक काम के अंदर में लोगों की राहत मिले इसलिए करता आ रहा है। जैसे कोरोना का टीका हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई हुई, ये भी हेल्थ में मेदांता की ओर से जांच शिविर लगाने का आग्रह इनका आया था। हमको लगा, हमारे महामंत्री जी को लगा कि अच्छी बात है कुछ लोगों को जांच हो जाए और बहुत अच्छे तरह जांच हुई भी है, कुछ लोगों को संतोष भी हुआ, जैसे मेरी जांच हुई। इन्होंने कहा कि साहब 75 में इतना बढ़िया स्वास्थ्य आपका एक रिकॉर्ड है, तो कितनी बड़ी शांति मिली शरीर को कि भाई एक इतनी बड़ी संस्था के डॉक्टर जांच के पश्चात इतना बड़ा आश्वासन देते हैं, किसका इलाज करें, इसका करा लें, बहुत अच्छा करा लें। तो ये यहाँ होने का अर्थ है चैम्बर जो सामाजिक कार्यों के लिए अग्रसर रहती है।
आर्य समाज मंदिर में विस्तारवाद की चुनौतियां एवं चिंतन विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। जवाहरलाल रोड स्थित आर्य समाज मंदिर के प्रांगण में रविवार को सनातन धर्म समागम के अवसर पर विधर्मी विस्तारवाद की चुनौतियां एवं चिंतन विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा के दौरान धर्म परिवर्तन विषय पर मुख्य वक्ता जगन्नाथ शाही ने बताया कि सनातन धर्म पर विधमिरियों के द्वारा जो बार बार प्रहार किया जा रहा है उसी विषय पर आज इस परिचर्चा का आयोजन किया गया था। हमें एकता की आवश्यकता नहीं है, हम एक ही हैं जो भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कोई शिव की पूजा करता है, कोई कृष्ण की करता है, कोई राम की करता है, कोई गणपति की करता है, कोई गुरु गोविंद की करता है, उसकी स्वतंत्रता। विस्तारवाद की चुनौतियां और उसका समाधान, जो सनातन धर्म है जिसका पर्यायवाची है बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ये सभी पर्यायवाची हैं सनातन धर्म के, तो उनको समाप्त करने के लिए इस देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है ईसाइयों के द्वारा और मुसलमानों के द्वारा। और उनके जहाँ तहाँ सफल होने का एक कारण ये भी है कि हम आपस में बटे हुए हैं, तो इस एकत्व की स्थापना कैसे इस देश में हो और इस देश का जो आधार है धर्म उसकी कैसे रक्षा हो, अगर उसकी रक्षा नहीं होगी तो राष्ट्र भी मिट जाएगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज टीम को। नमस्कार।